हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज हमजा हसनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर चैनल टारगेट विद आलोक। वैकेंसी की सारी डिटेल्स आपके पास आ चुकी हैं, डेट्स क्लियर हैं, सिलेबस क्लियर है। अब सिर्फ जी जान से तैयारी में लग जाना है और जितने जी जान से तैयारी करेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर आप देने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 125 क्वेश्चंस करने हैं। नेगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है कि आप बिल्कुल निडर होकर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नुकसान यह है कि आप पर अगर ये बात अप्लाई हो रही है तो दूसरों पर भी अप्लाई होगी, वो भी सारे क्वेश्चंस निडर होकर के अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसमें डरने की बात नहीं होती है। कॉम्पिटिशन कितना भी बढ़ जाए, बेस्ट परफॉर्मर वही होता है जिसने बेस्ट प्रिपेयर्ड किया होता है। ठीक है, तो बेस्ट प्रिपरेशन के साथ आपको वहां पर पहुंचना है। और अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, पहले मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पर, आप लोग उसे भी देखिए और जो आपको लगे उस पर कमेंट भी करिए, हम लोगों को बताइए भी। ठीक है, एडमिशन ओपन है अभी, वैकेंसी क्योंकि अभी क्लियर हुई है तो एडमिशन ओपन है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। मैं आज एक टॉपिक उठा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है विलियम शेक्सपियर, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को कि इस टॉपिक में अभी मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लूंगा, बहुत कॉमन बातें, बहुत जनरल बातें शेक्सपियर के बारे में बताऊंगा। अभी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, डीप स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है ना, डीप स्टडी के लिए सारे बैचेस, सारे वीडियोस आपको बैचेस में मिलेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि अभी तो क्लास थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन की है, लेकिन बैचेस में क्लासेस की ड्यूरेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विलियम शेक्सपियर, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, द मोस्ट पॉपुलर नेम इन इंग्लिश लिटरेचर और द फेमस, द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट में यहां पर इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आ रहा है। विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा ये जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर। बैप्टाइज क्या होता है, क्रिश्चियंस के वहां जब किसी का जन्म होता है तो उनको बैप्टाइज किया जाता है। ये एक तरह का प्रोसेस होता है कि उनका एक कह लीजिए रजिस्ट्रेशन हो गया क्रिश्चियनिटी में, तो वहीं के किसी चर्च में जाकर के उन्हें बैप्टाइज किया जाता है, उनका एक नेम जो है रजिस्टर्ड होता है इन इन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो 26 अप्रैल 1564 में ये बैप्टाइज हुए, ये रिकॉर्ड मिलता है चर्च के रिकॉर्ड से, इसे टैली किया जा चुका है। तो ये तो क्लियर है कि 26 को वो बैप्टाइज हुए, लेकिन ये क्लियर नहीं मिला कि उनकी बर्थ डेट क्या थी। तो बर्थ डेट को लेकर बहुत सारे क्रिटिक थे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत से लोगों ने कहा 21, 22, 23 कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एट लास्ट लोगों ने ये डिसीजन लिया कि उनका बर्थ डेट मनाया जाएगा 23rd को। 23rd को मनाने के कई रीजंस है। एक तो रीजन ये है कि जो बैप्टाइज करने का जो एक प्रोसीजर होता है वो बर्थ के लगभग 3 दिन बाद होता है, मतलब 3 दिन बाद माना जाता है कि बैप्टाइज किया जाए। ठीक है, तो एक तो इस वजह से 3 दिन पहले ले लिया गया। दूसरा, कुछ लोगों ने इस पर विटनेस भी दिया कि नहीं ये 23rd ही था, तो वो सारी चीजों को लेते हुए ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया कि 23rd को इनका बर्थ डेट माना जाएगा, 23rd अप्रैल 1564। राइट, ये डेट्स आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बात बता दूं, लिटरेचर में ज्यादातर चीजें याद रखने वाली हैं, तो यहां जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ मिलता है, और एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही उनके याद रखने हैं, सारी चीजें याद नहीं रख सकते, सारी चीजें पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और पॉइंट्स को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा, 26 अप्रैल 1564 में बैप्टाइज में, इसका मतलब 23rd को इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। और 23rd अप्रैल 1616 यानी सेम डेट जिस डेट में इनका जन्म हुआ उसी डेट को इनकी डेथ का भी डेट माना जाता है, 1616 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है,
वॉज एन एक्टर, देखिए क्या क्या थे यहां पर लिखा हुआ, वॉज एन इंग्लिश प्लेराइट थे, पोएट थे और एक्टर थे। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस लिखा गया है। सबसे पहले प्लेराइट क्यों कहा गया, क्योंकि वो मोस्ट फेमस है इंग्लिश प्लेराइट के रूप में, ठीक है, उसके बाद पोएट के रूप में फेमस है और लास्ट में एक्टर के रूप में फेमस है। भले ही करियर उन्होंने एज एन एक्टर स्टार्ट किया था, लेकिन फेम उनको जो मिला वो प्लेराइट के रूप में मिला, फिर पोएट, फिर एक्टर। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, इनको लगभग सभी लोग मानते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं। ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहा गया है, किसी और से इनको कंपेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। यही रीजन है कि इंग्लिश लिटरेचर को बिना शेक्सपियर के कंसिडर ही नहीं किया जा सकता, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में ही हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए क्या है, ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट, उनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, किसको इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को, और इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, ठीक है, या सिंपली द बार्ड कहा जाता है। यहां पर दो बार द हो गया, आप समझ जाइए, तो सिंपली इनको बार्ड भी कहा जाता है। तो बार्ड ऑफ एवन या द बार्ड इनकी एक उपाधि है, इनका एक टाइटल है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। और इनको स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है, क्योंकि स्वान ऑफ एवन इज नॉट अ पॉपुलर टाइटल, तो वो यहां पर लिखा नहीं है, पर मैंने ओरली बता दिया। तो बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है, राइट। तो नेशनल पोएट भी है शेक्सपियर इंग्लैंड के, बार्ड ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है या बार्ड कहा जाता है। हिज बर्थडे इज मोस्ट कॉमनली सेलिब्रेटेड ऑन 23rd ऑफ अप्रैल, ये मैं बता चुका हूं, 26th को बैप्टाइज्ड हुए थे, 23rd को माना जाता है, विच इज ऑल्सो बिलीव टू बी द डेट ही डाइड इन 1616, और ये माना जाता है कि सेम डेट में ही 1616 में उनकी डेथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर मैंने लिख रखी हैं, ताकि चीजों को माइंड में सेव करने में आसानी हो। बड़े फॉन्ट का यूज किया है, ताकि हर एक चीज आप क्लियरली रीड कर सकें, एकदम सिंपल प्लेन फॉन्ट्स हैं, ताकि आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा पूरे बैच के दौरान, कि हर एक चीज आपके लिए बहुत ईजी टू गेन हो, राइट। तो देखिए अब क्या है, आगे क्या कह रहे हैं, शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एजेस ऑफ ब्रिटिश थिएटर। ये जरूर याद रखिएगा कि किस एज में थे ये, किस एज के राइटर थे, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, राइट। और प्रोलिफिक राइटर मतलब उन्होंने बहुत सारा काम किया था, प्रोलिफिक मतलब ढेर सारा उनका राइटिंग वर्क था, तो प्रोलिफिक राइटर थे एलिजाबेथन और जैकोबियन एजेस के ब्रिटिश थिएटर में, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड द इंग्लिश रिनेसांस और द अर्ली मॉडर्न पीरियड, ये जो पीरियड है एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, इसको इंग्लिश का रिनेसांस और अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है। तो हर एक पॉइंट को माइंड में रखिएगा, ठीक है। रिनेसांस किसको कहा जाता है, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड को, ठीक है, एजेस को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शेक्सपियर की फैमिली लाइफ की, शेक्सपियर की फैमिली लाइफ कैसी थी। जॉन शेक्सपियर मैरिड मैरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर कौन, विलियम शेक्सपियर के फादर, ठीक है, अभी विलियम शेक्सपियर के फादर की बात चल रही है। तो जॉन शेक्सपियर कौन थे भाई, फादर। तो जॉन शेक्सपियर मैरिड मैरी आर्डन एंड टुगेदर दे हैड 8 चिल्ड्रन, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स के 8 चिल्ड्रन थे। जॉन एंड मैरी लॉस्ट 2 डॉटर्स एज इन्फेंट्स, उनकी जो पहली दो बेटियां थी, विलियम शेक्सपियर से पहले उनकी दो बेटियां हुई थी, जो बचपन में उनकी डेथ हो गई थी। सो विलियम बिकेम देयर एल्डेस्ट चाइल्ड, तो इस तरह से विलियम उनके सबसे बड़े बेटे बन गए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि जो घर में सबसे बड़ा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा ज्यादा होती हैं, राइट, और लाइफ के उतार चढ़ाव उसे ज्यादा झेलना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो विलियम बिकेम देयर एल्डेस्ट चाइल्ड, तो दो बच्चियां जो थी, डॉटर्स जो थी, उनकी तो डेथ हो गई, तो विलियम उनके एल्डेस्ट चाइल्ड हो गए।
William Shakespeare would have lived with his family in their house on Henley Street until he turned 18. 18 साल की उम्र तक William Shakespeare अपनी फैमिली के साथ रहे Henley Street में, ठीक है, Henley Street में उनका घर था, वहां पर वो थे. तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है. कहां रहे 18 साल तक? Henley Street में, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, राइट. थर्ड चाइल्ड थे, लेकिन दो बेटियों की डेथ के बाद वो सबसे बड़े हो गए, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं शेक्सपियर फैमिली लाइफ में और देखते हैं. तो देखिए क्या लिखा है. व्हेन ही वाज 18 शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे. जब शेक्सपियर 18 साल के थे तो उन्होंने एनी हैथवे से शादी किया, एनी हैथवे से मैरिज किया, हु वाज 26. विलियम शेक्सपियर उस वक्त 18 के थे, एनी हैथवे कितने की थी? 26 की थी, राइट. इट वॉज अ रश्ड मैरिज बिकॉज एनी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द सर्मनी. और ये बहुत ही मतलब कह लीजिए रश्ड मैरिज थी. लोगों उन मतलब शेक्सपियर की मदर की मर्जी से नहीं हो रही थी, उनकी मदर इसके अगेंस्ट थी. क्यों अगेंस्ट थी? एक तो एनी हैथवे उनसे बड़ी थी, और दूसरी बात वो इस सर्मनी के टाइम पर ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, राइट. तो ये एक तरह से पेरेंट्स को पसंद नहीं होती है इस तरह की चीजें, तो वो अगेंस्ट थी, ठीक है. टुगेदर दे हैड 3 चिल्ड्रन. फिर जब इनकी शादी हो गई, इनकी मैरिज हो गई, तो विलियम शेक्सपियर, एनी हैथवे, इनके 3 बच्चे हुए, ठीक है. देयर फर्स्ट डॉटर सुजैना वॉज बॉर्न 6 मंथ्स आफ्टर द वेडिंग. उनकी जो पहली बेटी थी सुजैना, वो इनकी वेडिंग के 6 महीने बाद ही उसका जन्म हो गया. एंड वॉज लेटर फॉलोड बाय ट्विंस हैमनेट एंड जुडिथ. और उसके बाद में फिर किसका, इनके एक ट्विंस का, इनका इनके वहां ट्विंस का जन्म हुआ, हैमनेट और जुडिथ का. हैमनेट डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है. तो ये जो ट्विन थे हैमनेट एंड जुडिथ, इनमें हैमनेट की डेथ हो गई जब वो सिर्फ 11 साल का ही बच्चा था, राइट. आगे बढ़ते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला था हैमनेट की डेथ ने शेक्सपियर पर. अच्छा यहां पर है नहीं, तो चलिए मैं बता देता हूं. ओके, या शायद है, हाँ ठीक है, ओके है. ओके, तो क्या है, शेक्सपियर इन लंदन. अब लंदन कैसे पहुंचे शेक्सपियर, ये सारी चीजें देखना है. क्योंकि जब आप शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां तक तो पता चलता है कि ट्विंस में उनकी उसमें से एक की डेथ हो गई, फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ ये कहीं डिटेल नहीं मिलती है, और अचानक से उनकी लाइफ हम लंदन में देखते हैं. तो ये कैसे क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं. शेक्सपियर्स करियर जंप स्टार्टेड इन लंदन. शेक्सपियर के करियर का जो जंप हुआ, यानी जब उनके करियर में सक्सेस उन्हें जो मिलना शुरू हुई, वो लंदन में हुई. बट व्हेन डिड ही गो देयर, लेकिन कब वो वहां गए, ये क्वेश्चन बनता है कि वो लंदन कब गए. वी नो शेक्सपियर ट्विंस वर बैप्टाइज्ड इन 1585. ये तो हमने अभी पढ़ा कि 1585 में इनके ट्विंस बैप्टाइज्ड हुए थे. जुडिथ और हैमनेट कब बैप्टाइज्ड हुए? 1585. बैप्टाइज्ड हुए मतलब 1585 में उनकी बर्थ भी हुई, ठीक है. तो ये 1585 में बैप्टाइज्ड हुए. And that by 1592 his reputation was established in London. और 1592 में इनकी reputation London में establish हो गई थी 1592 तक, ठीक है. तो ये जो time है आगे बताया जा रहा है. But the intervening years are considered a mystery. ये बीच के जो साल है 1585 से लेकर के 1592 के बीच का जो time है, ये एक मिस्ट्री माना जाता है. इसमें किसी को नहीं पता कि शेक्सपियर ने क्या किया. कुछ लोग कहते हैं कि वो कहीं एजुकेट हो रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने आइडियाज बना रहे थे. मतलब नो वन एग्जैक्टली नोस कि क्या हुआ था, ठीक है. तो ये सारी चीजें यहां पर थी. फिर स्कॉलर्स जनरली रेफर टू दीज ईयर्स एज द लॉस्ट ईयर्स. तो ये द लॉस्ट ईयर्स के नाम से जाना जाता है जो 1585 से लेकर 1592 के बीच का इनका टाइम है. द लॉस्ट ईयर क्यों? क्योंकि इसमें पता नहीं किसी को कि शेक्सपियर ने क्या किया, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. लॉस्ट ईयर इनका 1585 से 1592 तक था, राइट. आगे बढ़ते हैं. शेक्सपियर इन लंदन में आगे और देखेंगे.
फिर ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंडन, जब वो लंडन में थे, शेक्सपियर्स फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स वर पब्लिश्ड, उनका पहला प्रिंटेड वर्क पब्लिश हुआ, ठीक है। पहले उन्होंने कंपोज किया होगा कुछ जो भी, लेकिन जो पब्लिश हुआ वो कौन सा वर्क था, दे वर टू लॉन्ग पोएम्स, दो लॉन्ग पोएम्स थी इनकी, वीनस एंड एडेनिस, जिसमें पहली लॉन्ग पोएम का नाम था लॉन्ग नरेटिव पोएम, जिसमें पहली लॉन्ग नरेटिव पोएम थी वीनस एंड एडेनिस, जो कि 1593 में, और दूसरी थी द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, जो कि 1594 में, ठीक है। तो ये इनका फर्स्ट प्रिंटेड पब्लिश वर्क था। He also became a founding member of the Lord Chamberlain's Men, ठीक है, और फिर उसके बाद ये founding member बन गए the Lord Chamberlain's Men company के, a company of actors, actors की company थी ये। Shakespeare was the company's regular dramatist, और ये company के regular dramatist बन गए, producing on average 2 plays a year for almost 20 years, और on average ये क्या करते थे, 2 plays प्रोड्यूस करते थे एक साल में, ठीक है, और 20 साल तक इन्होंने यही काम कंटिन्यू रखा, यानी अपनी लाइफ का एक बड़ा पार्ट इन्होंने एज एन एक्टर बिताया, स्पेंड किया, राइट। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ही रिमेन विद द कंपनी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज करियर, अपने पूरे करियर में वो कंपनी के साथ रहे, ड्यूरिंग विच टाइम इट इवॉल्व इनटू द किंग्स मैन अंडर द patronage of King James I from 1603. During his time in the company, Shakespeare wrote many of his most famous tragedies such as King Lear and Macbeth, as well as great romances like Winters, The Winter's Tale and The Tempest. तो अब ये करियर पूरा इन्होंने यही बिताया, फिर किंग जेम्स के पैट्रनेज में ये हो गया, और उसके बाद इन्होंने उसी कंपनी में कई फेमस ट्रेजेडीज लिखी, जिसमें से किंग लियर और मैकबेथ जैसी ट्रेजेडीज, फेमस ट्रेजेडीज का नाम आता है, और रोमांसेस भी लिखे हैं, जिसमें द विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट जैसे रोमांसेस भी आते हैं, ठीक है। तो ये इनका करियर था। आगे बढ़ते हैं, शेक्सपियर्स वर्क, काम क्या किया उन्होंने, कितना टोटल उनका काम था, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो ऑल टूगेदर शेक्सपियर्स वर्क इंक्लूड 37 plays, कुछ लोग कहते हैं 38 plays, कुछ लोग कहते हैं 39 plays, ठीक है। तो अगर हम स्कॉलर्स के क्रिटिक को डीपली पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है कि शॉर्टी के साथ हम 37 प्लेस का ही नाम ले सकते हैं जो कि शेक्सपियर के खाते में आते हैं, राइट, शॉर्टी के साथ। बाकी जो प्लेस हैं वो डाउटफुल हैं कि वो शेक्सपियर के हैं या नहीं है, या शेक्सपियर ने किसी के कोलैबोरेशन में लिखा या क्या है, वो डाउटफुल है, ठीक है। तो 37 प्लेस फॉर श्योर शेक्सपियर के हैं, और 38-39 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, पर उसे माना नहीं जाता, राइट। ओके, तो 37 प्लेस हैं, 2 narrative poems जिनका भी मैंने नाम लिया, ठीक है, और 154 सोनेट्स इनके बारे में हमको अभी बहुत कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। हो सकता है किसी को पता भी हो कि 154 सोनेट्स में 3 ग्रुप्स में इनको फॉल किया था इन्होंने, पहला ग्रुप डार्क लेडी का था, और फिर यंग फेलो के लिए था, और ग्रीक पोएम थी, तो वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में क्या क्या था, अभी सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सर ने इतना सा बता के छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, अभी ये हम सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन, एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर डिटेल में भी हम पढ़ेंगे सभी चीजों को, ठीक है। तो 154 सोनेट्स हैं, और सॉरी, एंड अ वैरायटी ऑफ अदर पोएम्स, बहुत सारी दूसरी पोएम्स भी इन्होंने लिखा। नो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर नोन टू एग्जिस्ट टूडे, ओरिजिनल उन्होंने जो लिखा था वो मैन्युस्क्रिप्ट आज नहीं मिलते हैं, कहां गए, कैसे कहां रखे गए, कुछ किसी को नहीं पता। इट इज एक्चुअली थैंक्स टू अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर्स कंपनी दैट वी हैव अबाउट हाफ ऑफ द प्लेस एट ऑल, और ये हम थैंकफुल होंगे उनकी कंपनी के एक्टर्स के लिए जिनके ग्रुप ने क्या किया कि शेक्सपियर के उन प्लेस को इकट्ठा किया, और उसकी वजह से आज हमारे पास लगभग आधे प्लेस उनके हैं, बहुत सारे प्लेस हमने खो दिए क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं थी, राइट।
ओके, तो ऑल टुगेदर आपको क्या याद रखना, 37 प्लेस, 2 नैरेटिव पोएम्स, 154 सोनेट्स, ठीक है। और जो दूसरी पोएम्स है उनको लेकर क्वेश्चंस इतने नहीं बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, शेक्सपियर्स वर्क में फिर उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रुप था एक्टर्स का, इन्होंने क्या किया, दे कलेक्टेड देम फॉर पब्लिकेशन आफ्टर शेक्सपियर डाइड, प्रिजर्विंग द प्लेस, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो शेक्सपियर के प्लेस थे उनको प्रिजर्व किया शेक्सपियर की डेथ के बाद, उनको पता था कि बहुत वैल्यूएबल है और शेक्सपियर की यादें हैं, तो उन्होंने उसको कलेक्ट किया कि वो अब पब्लिश कराएंगे। दीज राइटिंग्स वर ब्रॉट टुगेदर इन व्हाट इज नोन एज द फर्स्ट फोलियो, और ये राइटिंग्स उन्होंने जब इकट्ठा करके पब्लिश कराई तो फर्स्ट फोलियो के नाम से इस पब्लिकेशन को जाना जाता है। फोलियो का मतलब ऐसे जनरली होता है, फोलियो रेफर्स टू द साइज ऑफ द पेपर यूज, कितने पेपर यूज हुए हैं और उनका क्या साइज है, इससे फोलियो का सेंस आता है। पर उन्होंने इस पब्लिकेशन को, कलेक्शन को फर्स्ट फोलियो का नाम दिया। इट कंटेंट 36 ऑफ हिज प्लेस बट नन ऑफ हिज पोएट्री, और फर्स्ट फोलियो में उनके 36 प्लेस पब्लिश हुए और उनकी कोई भी पोएट्री नहीं पब्लिश हुई, सिर्फ 36 प्लेस का फर्स्ट फोलियो था, ठीक है। तो ये माइंड में आपको रखना है कि फर्स्ट फोलियो में उनके 36 प्लेस पब्लिश हुए थे, ठीक, और वो भी किसने कराया था, उनकी कंपनी के एक्टर्स के ग्रुप ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यू प्लेस की। ये न्यू प्लेस क्या है, इनका एक घर था, अ होम इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, तो अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड को वैसे सिर्फ स्ट्रैटफोर्ड भी कहा जाता है पर कंप्लीट नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। तो इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, और इसीलिए इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये वाविक शायर में पड़ता है, इंग्लैंड की एक काउंटी है वाविक शायर, ठीक है। तो इंग्लैंड की उस काउंटी वाविक शायर में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था, जिसको मोस्ट कॉमनली स्ट्रैटफोर्ड ही कहा जाता है, ठीक। वहां पर एक घर इन्होंने लिया था न्यू प्लेस नाम का। तो ये क्या था, पढ़ते हैं इसके बारे में। शेक्सपियर सक्सेस इन द लंदन थिएटर्स मेड हिम कंसिडरेबली वेल्दी, जब वो लंदन थिएटर्स में सक्सेसफुल हो गए एज एन एक्टर तो अच्छा खासा उनके पास पैसा आ गया, वेल्दी हो गए, एंड बाय 1597 ही वॉज एबल टू परचेज न्यू प्लेस, और 1597 तक वो एबल हो गए कि वो न्यू प्लेस यानी वो घर खरीद सके, जो कि द लार्जेस्ट हाउस इन द बर्फ ऑफ स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो कि उस एरिया में स्ट्रैटफोर्ड एवन में लार्जेस्ट घर था। Although his professional career was spent in London, भले ही उनका professional career London में spent हुआ, he maintained close links with his native town. उन्होंने अपने native town से बहुत ही close link रखा, ठीक है। थोड़ा homesick type के थे। Okay, फिर क्या है? Recent archaeological evidence discovered on the site of Shakespeare's new place shows that Shakespeare was only ever an intermittent lodger in London. ठीक है, तो जो recent archaeological evidences वहां पर evidence मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उससे ये पता चलता है, न्यू प्लेस जो उनका घर था उसमें जो सबूत मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि शेक्सपियर लंदन में सिर्फ काम के ही पर्पस से जाया करते थे, बाकी वो रहते वही थे अपने घर में ही। दिस सजेस्ट ही डिवाइडेड हिज टाइम बिटवीन स्ट्रैटफोर्ड एंड लंदन, और इससे ये समझ में आया कि उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड और लंदन के बीच अपना टाइम डिवाइड कर रखा था। अ 2 or 3 day कम्यूट, वो 2 या 3 दिन का सफर करते थे, कम्यूट मतलब जैसे काम पे जाना और आना, तो वो सफर वो करते थे, यानी रहते घर में थे, काम के लिए लंदन जाते थे, फिर वापस आ जाते थे, ऐसे ये करते थे। इन हिज लेटर इयर्स ही मे हैव स्पेंड मोर टाइम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन दैट स्कॉलर्स प्रीवियसली थॉट, और अपने लास्ट टाइम जो उनका था बाद के जो इयर्स थे उसमें इन्होंने अपना ज्यादा टाइम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में बिताया, ठीक है, जो कि स्कॉलर्स को लगता है, राइट। और उसके बाद उनकी 1616 में उनकी डेथ हो गई और उनको वहीं पास में ही चर्च में उनको
बरी कर दिया गया। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल इसमें मैंने नहीं बताई, मैंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है। और अभी शेक्सपियर इतना बड़ा टॉपिक है कि इतनी जल्दी हम उसे पूरा बता भी नहीं सकते। शेक्सपियर को लेकर के बहुत सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी जब तक आप शेक्सपियर को पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं बीच बीच में आती रहेंगी, आपको बताया जाएगा। अभी ग्लोब थिएटर को लेकर कोई बात नहीं की गई है, अभी इनके वर्क को लेकर के मैंने बहुत ज्यादा डीप में कोई बात नहीं की है। तो ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी शेक्सपियर के बारे में जब आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इसलिए हम उन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं बताता जाऊंगा। हाँ, इनके वर्क से क्वेश्चंस काफी बनते हैं तो वर्क को लेकर के हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लगभग 37 प्लेज हैं, उनमें भी आपको प्लेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सीन्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फेमस डायलॉग्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेगी। आगे हम पढ़ते रहेंगे, बैचेस में एडमिशन ओपन है। आप लोग जो भी टीजीटी या पीजीटी करना चाह रहे हैं इंग्लिश से, वो एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है, डिटेल आपको मिल जाएगी, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।